शालोम, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है पवित्र आत्मा का भूमिका उदार का पहले, The role of the Holy Spirit before salvation। हम पढ़ेंगे रोमी 7, रोमन 7:5-13। प्रभु का वचन निकालेंगे रोमियो 7 और पढ़ेंगे पद 5 से लेकर 13 तक। पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम शरीर में थे तो पापमय वासनाएं जो नियम शास्त्र के द्वारा उत्तेजित की जाती थी हमारे शारीरिक अंगों में मृत्यु के लिए फल उत्पन्न करने को कार्यरत थी, परंतु अब जिस नियम शास्त्र से हम बंधे थे उसके प्रति मरकर उससे ऐसा मुक्त हो गए हैं कि हम लेख की पुरानी विधियों के अनुसार नहीं परंतु पवित्र आत्मा की नई विधि से सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या नियम शास्त्र पाप है? कदापि नहीं। इसके विपरीत नियम शास्त्र के बिना मैं पाप को न जान पाता, क्योंकि यदि नियम शास्त्र न कहती लालच मत कर तो मैं लालच के विषय में न जान पाता, परंतु पाप ने इस आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि नियम शास्त्र के बिना पाप मृतक है। मैं स्वयं पहले नियम शास्त्र के बिना जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जीवित हो उठा और मैं मर गया, और यह आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण बन गई, क्योंकि पाप ने आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए नियम शास्त्र पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र, खरी और उत्तम है। तो क्या वह जो उत्तम है मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? कदापि नहीं, वरन पाप था जो उस उत्तम के द्वारा मुझ में मृत्यु का कार्य करने वाला हुआ, जिससे कि पाप का पाप होना प्रकट हो जाए कि आज्ञा के द्वारा पाप अत्यंत ही पाप में बन जाए। इस समय साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रकाशन का आत्मा पिताजी पर उंडेलने के लिए हम सब जो यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं हम पर भी प्रभु अभिषेक उंडेल देगा और हमारे हृदय को पवित्र आत्मा छीर देगा, ताकि सच में ये सच्चाई के द्वारा हमारा नया जन्म हो करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद दीजिए राजा। प्रभु जैसा आपने आपका वचन हमने पढ़ा, हम मांगते हैं प्रभु जी की आज आपका ये सच्चाई प्रभु हमारे मन को प्रभु जो उलझन है उसको प्रभु हटाएगा और हमारे दिल में प्रभु आपका वचन वो ज्योति है प्रभु वो प्रभु छुटकारा और उद्धार लेकर आएगा। इसलिए धन्यवाद प्रभु। पिताजी पर आपका अभिषेक उंडेल देना, उनका ताबा लेना, उनको प्रभु यीशु मसीह आपका प्रकाशन का आत्मा के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा पूरा आपका शक्ति सामर्थ आपका बुद्धि ज्ञान से आप उनको भर देते हो, इसलिए धन्यवाद। हर एक रुकावट को, हर एक शैतान की योजनाओं को हम बांध देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शलोम। भाई बहनों, उदार का जो प्लान है, जो योजना है परमेश्वर का, वो बहुत बड़ा योजना है, महान, बहुत महत्वपूर्ण, और वो अनंत काल से परमेश्वर ने तैयार किया है। ये योजना के अनुसार पिता परमेश्वर ने उसका
एकलौता पुत्र को ये दुनिया में मनुष्य का रूप से भेजा ताकि वो पूरा पापी मनुष्य जात का पाप उठाकर वो उसका दाम चुकाए, हमारा पाप का दाम चुकाए। ये काम पूरा होने के बाद प्रभु ने बोला मैं जाना आवश्यक है ताकि मैं तुमको मेरा ही जैसा एक दूसरा व्यक्ति को भेज सकता हूं जो तुमको मदद करेगा, जो तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा, पवित्र आत्मा। मैं नहीं जाऊंगा तो मैं उसको नहीं भेज पाऊंगा, वही मेरा पीछे मेरा काम आगे बढ़ाएगा, चालू रखेगा। तो भाई बहनों, इसका मतलब ये है, पिता परमेश्वर ने उसका काम खत्म कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका काम पूरा किया, और अभी जो चल रहे वो पवित्र आत्मा का युग है और उसका काम चल रहे। प्रभु यीशु मसीह ने ये उद्धार का जो काम है वो उसका हवाले में कर दिया, वही अभी अगुवाई करते है, चलाते है, हमको सिखाता है सब कुछ। इसलिए प्रभु का वचन में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता तुम्हारे साथ हमेशा बने रहना। सचमुच बोलेगा तो हमारा सौभाग्यता पिता परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु के साथ है और पवित्र आत्मा के साथ है, और होना चाहिए। लेकिन यहां स्पष्ट तरीके से लिखा है कि यह सौभाग्यता हमारा पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा संगति, हमारा सौभाग्यता पवित्र आत्मा के साथ मजबूत होता है तो ये पवित्र आत्मा हमको पिता परमेश्वर के पास लेके जाता है, प्रभु यीशु का करीब लेके जाता है। हमारा जो रिश्ता है पिताजी के साथ और प्रभु यीशु के साथ और मजबूत करता है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो इसलिए हमारा दोस्ती, हमारा रिश्ता, हमारा सौभाग्यता ज्यादा इस समय पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16:7-13, वहां पवित्र आत्मा का भूमिका पापी संसार के और क्या है। John 16:7-13 will read, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वह आएगा तो संसार को पाप और नीतिमत्वता और न्याय के विषय में यकीन दिलाएगा, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और नीतिमत्वता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है,
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और उन्हें आने वाले बातों को तुम पर प्रकट करेगा। तो भाई बहनों, हम यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कैसा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का जो काम है वो आगे बढ़ाएगा। और सबसे ज्यादा वो संसार को, हर एक इंसान को उसका पाप के बारे में वो यकीन दिलाएगा। देखो भाई बहनों, आज लोग ये लोग पापी है, उनका जीवन में पाप है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आज का संसार ऐसा हो गया, मैंने क्या पाप किया, तो पाप क्या है उनको मालूम नहीं है। तो जब भी हमको किसी का उद्धार के बारे में प्रार्थना करने गए, तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने गए, पवित्र आत्मा ये मेरा भाई को, ये मेरा बहन को, ये मेरा पति को पाप के बारे में एहसास दिलाओ, यकीन करना। और उसके बाद एक बार वो उसका उद्धार हो जाएगा, तभी पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह का जो नित्यमत्वता है उसके ओर हमको ले जाएगा। और तीसरा, हमको न्याय, अंतिम न्याय के लिए के ओर हमको वो तैयार करेगा, ये उसका काम है। तो भाई बहनों, ये हमारा पूरा जीवन है ये दुनिया में, जिसके वजह हमको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है और उसका बहुत करीब होना है। देखो भाई बहनों, हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि दो समझो विकल्प है, वो पर्याय है उदार पाने के लिए। एक है हमारा खुद का बल से, हमारा खुद का शक्ति से, और दूसरा है पवित्र आत्मा का शक्ति से। एक महत्वपूर्ण बात है जो पूरा दुनिया भूल गए है, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया भी उसमें इंक्लूड है, शामिल है। मतलब क्या है उसको हम दूसरा शब्दों में बोलता है, नियम शास्त्र के द्वारा या अनुग्रह के द्वारा, ये दो ही पर्याय है। ज्यादा से ज्यादा लोग नियम शास्त्र, नियम शास्त्र मतलब क्या है, नियम शास्त्र मतलब नियम, आज्ञा, ए सेट ऑफ रूल्स, नियम का एक समूह। ये नियम हम संभालेंगे, उसका आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ये शैतान का शिक्षा है, ये झूठ है।
लेकिन आज पूरा संसार उसके अनुसार चलता है। और दुख की बात है, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में भी बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, अनुग्रह को भूल गए हैं। लेकिन ये दो बातें, नियम शास्त्र और अनुग्रह, ये परस्पर अनन्य है। हम हमारा प्रयास के द्वारा हम उद्धार पाने के लिए कोशिश करेंगे तो अनुग्रह से हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। और जो लोग अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, नया जन्म पाना चाहते हैं, उनको कोशिश करने का कोई जरूरी नहीं। ये हम स्पष्ट रीति से समझना है। रोमी 8:14, रोमन्स 8:14 पढ़ेंगे, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। और यूहन्ना 1:11, जॉन 1:11 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूं कि उद्धार का पहले, नया जन्म का पहले हमको पवित्र आत्मा का मदद का जरूरी है, उसका शक्ति का जरूरी है। उसके बाद 1:11 बोलता है कि हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा का शक्ति से होना चाहिए। फिर एक बार पवित्र आत्मा का काम। और रोमी 8:14 हमको बोलता है, जब भी हम बच्चे हैं हमको परिपक्व परमेश्वर का पुत्र बनने गए, तभी पवित्र आत्मा ने हमारा अगुवाई करना, हमको चलाना, हमको मार्गदर्शन करना जरूरी है। तो भाई बहनों, आप समझ सकते हैं उदार से पहले और उदार का बाद पवित्र आत्मा का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म, हमारा उद्धार बराबर नहीं होता है, हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलते है। जैसा प्रभु यीशु को मिला, उसने बपतिस्मा लिया, तुरंत उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, हमको क्यों नहीं मिलते है? क्यों हमारा उद्धार सही रीति से नहीं होता है, हमारा नया जन्म सही रीति से नहीं होता है? शायद हमारा प्रभु यीशु के साथ एक जबरदस्त मुलाकात नहीं हुआ, हम उसका प्रेम में नहीं गिरा और हमको पाप का एक ईश्वरी दुख नहीं हुआ, पश्चाताप सही नहीं किया, हमको पाप, हम पाप का नफरत नहीं करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, बर्बाद में वही पाप वापस करते हैं। ना तो हमारा नया जन्म हुआ है तो हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, उसका मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, हम वैसा का वैसा रहते हैं, पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। तो भाई बहनों, हमारा पूरा दुनिया, आत्मिक दुनिया पवित्र आत्मा का के ऊपर निर्भर है। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है,
प्रभु का वचन बोलता है जो आज हमने पढ़ा है, बोलता है हम दस आज्ञा का पालन करते हुए हम करेंगे तो हमको उदार नहीं मिल सकते। वो नियम शास्त्र है, वो कानून है, वो आज्ञा है, उसका पालन करेगा तो हमको उदार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो भाई बहनों, ये दस जो आज्ञा है वो परमेश्वर ने दिया था मूसा के द्वारा। तो उसका फायदा क्या है? क्यों दिया था? देखो, परमेश्वर ने ये जो आज्ञा दिया वो हमारा उद्धार के लिए नहीं था, सिर्फ हमको उसको जो जीवन का स्टैंडर्ड दर्जा चाहिए वो दिखाने के लिए, वो प्रकट करने के लिए कि मैं पवित्र हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी पवित्र हो। और ये पवित्रता का मतलब क्या है, कैसा पवित्र बनने का है? दस आज्ञा है। लेकिन ये आज्ञा में शक्ति नहीं था हमको ये आज्ञाओं का पालन करने के लिए, इसलिए बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन सब लोग गिर गया, सब लोगों ने पाप किया। यही तो एक बहुत बड़ा कमजोरी है पुराना करार का। क्यों? कोई भी नियम शास्त्र का पालन करते हुए उधार हासिल नहीं कर सकते थे। तो भाई बहनों, ये दस आज्ञा हमको इतना ही सिखाता है कि हम हमारा शक्ति से हम कभी नीतिमान नहीं बन सकते हैं। उसका पालन करते करते और हार पाते पाते हम ये एहसास हमको होता है कि नहीं होता है। क्यों? ये जो आज्ञा है, दस आज्ञा है, ये बहुत ऊंचा दर्जा का है और मनुष्य के पास इतना शक्ति नहीं है वो संभालने के लिए। और प्रभु का वचन के अनुसार एक भी आज्ञा हम तोड़ेंगे तो हमने बिल्कुल सब दस आज्ञा तोड़ डाला, एक भी तोड़ेंगे तो। तो भाई बहनों, इसलिए जब भी कोई भी कौन सा भी इंसान उसका शक्ति से और जो रूल्स है, नियम है, आज्ञा है, उसका पालन करने के लिए कोशिश करेंगे, उदार पाने के लिए ये हमेशा हार पाएंगे, हमेशा हार पाएंगे, नहीं होते है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है एफिसी 2:8 में, Ephesians 2:8, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे,
क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। देखो भाई बहनों, स्पष्ट लिखा है, हमारा उद्धार सिर्फ अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, और ये हमारा कामों के द्वारा नहीं है। हमने कुछ पुण्य किया इसलिए नहीं है, ये बिल्कुल परमेश्वर का दान है। भाई बहनों, ये समझने के लिए बहुत लोगों को बहुत कठिन होता है। जैसा मैंने एक बार तुमको बोला, जब भी मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था, मेरा एक कलीग थी जो वकील थी, उसका सोच विचार ऐसा था, मैंने पाप किया, मैंने पाप का सजा उठाना है। लेकिन उसका जो घमंड है इतना था, मैं नहीं चाहता हूं कोई दूसरा ही मेरा पाप का सजा उठाए। देखो भाई बहनों, कितना मनुष्य के अंदर एक गलत फहमी है और एक घमंड है। हम परमेश्वर का दान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमारा शक्ति से बाहर है, ये भी हम विश्वास करने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो उधर लिखा है विश्वास के द्वारा। अब मुझे बताओ, विश्वास कभी आता है? विश्वास तभी आता है जब भी हमारा मुलाकात होता है, हम प्रभु यीशु मसीह को समझो, आमने सामने हमने उसका प्रेम, उसका शक्ति हमने महसूस किया है, हमें अनुभव पाया है, तभी हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि वो एक सच्चा परमेश्वर है। इसलिए भाई बहनों, जिनका जीवन में ऐसा एक जबरदस्त मुलाकात नहीं हुआ, ये लोगों का समर्पण, विश्वास का समर्पण, प्रेम का समर्पण बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाद में पश्चाताप भी झूठा होता है, समर्पण जो है 100% वो भी अधूरा होता है। दुनिया का त्यागीकरण और नफरत भी हमारे पास नहीं होता है। तो विश्वास के द्वारा, ज्यादा से ज्यादा हमारा विश्वास दिमाग कर रहता है, मेंटल फेथ, हेड फेथ, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। जब तक हमारा विश्वास, दिल का विश्वास नहीं, हृदय का विश्वास कि हम प्रभु यीशु का प्रेम में गिरा है और हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, खुद का प्रेम त्यागने के लिए तैयार है, परिवार का प्रेम त्यागने के लिए तैयार है, बच्चों का प्रेम त्यागने के लिए तैयार है, अब प्रभु यीशु को पहला स्थान देता है और उसको हमारा जीवन में मालिक बनाते हैं और उसका इच्छा के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए हम तैयार है। तो भाई बहनों, जो नियम शास्त्र का जरूरत है, उसका मूल सिद्धांत वही है जो हम समझना चाहिए। नियम शास्त्र और आज्ञा, उसका पालन करते हुए हमारा शक्ति से हमको नीतिमान बनना है, हमको उदार पाना है। तो भाई बहनों,
डिमांड ये है, जरूरत ये है कि हम पूरा नियम शास्त्र का पालन करना है और पूरा समय द ओबीडियंस ऑफ द लॉ, कंप्लीट लॉ, पूरा और ऑल द टाइम. थोड़ा ही आज्ञा हम पालन करेंगे थोड़ा टाइम के लिए, उसके द्वारा हमको ये नहीं मिलते है, उधार नहीं मिलते है. और किसके पास होते है? पूरा नियम शास्त्र सब आज्ञा का पालन करने के लिए ऑल द टाइम, पूरा समय, हमेशा. ऐसे नहीं कर सकते है तो हम सोच भी नहीं सकते है कि नियम शास्त्र रखते हुए, दस आज्ञा का पालन करते हुए हम नया जन्म पाएंगे. हमारा कोशिश से, हमारा प्रयास से, हमारा प्रयत्न से. Deuteronomy 27:26 निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 27 और पद 26 पढ़ेंगे. शापित हो वह जो इस नियम शास्त्र के वचनों को मानकर उनको पूरा न करे. तब सब लोग कहे आमीन. भाई बहनों, परमेश्वर ने उनको एक बोला, तुम ऐसा खाओ कि हम ये जो परमेश्वर ने उनको बोला ये उन्होंने मानने का था. क्या मानने का था? कि पूरा नियम शास्त्र का आज्ञा पालन नहीं करेंगे ये लोग श्रापित है. ये उन्होंने एक दूसरे को परस्पर बोलने का था, बयान देने का था, घोषणा करने का था. तो इसका मतलब ये लोग खुद श्राप उनके ऊपर ले लेते थे कि जब भी हम ये परमेश्वर का जो नियम शास्त्र है, दस आज्ञा है, उनका पालन नहीं करेंगे हम श्रापित है. मतलब थोड़ा ही भी जो नियम शास्त्र है उससे हम थोड़ा पलट जाएंगे तो श्राप हमारे ऊपर आ गया. और नया करार में ये परमेश्वर फिर एक बार स्थापित करता है गलती 3:10 में. गलेशियंस 3:10 पढ़ेंगे. परंतु जो लोग नियम शास्त्र के कामों पर निर्भर है वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई नियम शास्त्र की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह शापित है. क्लियर लिखा भाई बहनों. तो भाई बहनों क्या होता है कि आज हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा नया जन्म पाने के लिए नहीं चाहते हैं. हम हमेशा बोलता है मैं कोशिश करेगा. आज हमारा नियम शास्त्र क्या है? ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, कहीं आ गया, लेकिन सब आज्ञा का हम लोगों ने पालन नहीं किया. शायद हम व्यभिचार नहीं किया लेकिन हम लोगों ने झूठ बोला. शायद मर्डर नहीं किया, खून नहीं किया लेकिन बहुत लोगों को हमने फंसाया, पैसा चुराया, परमेश्वर का भी पैसा चुराया, हम चोर बन गया.
भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है ये सब लोग श्रापित है। ये श्राप मैंने नहीं दिया, ये प्रभु का वचन में लिखा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर श्राप आएगा। तो इसलिए भाई बहनों, हम सोच भी नहीं सकते है नियम शास्त्र का पालन करते हुए हमारा शक्ति से उधार पाने के लिए। बहुत लोगों को लगता है मैं रविवार को आएगा, एक आज्ञा है, मेरा उधार हो जाएगा। नहीं भाई बहनों, मैं मीटिंग को जाएगा मेरा उधार हो जाएगा। नहीं भाई बहनों, उधार ऐसा नहीं होता है। उधार होता है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जो सजा उठाया, हमारा पाप के लिए कष्ट उठाया, लहू बहाया, जान दिया, उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे दिल से, तभी जो प्रभु ने हमारे लिए हासिल किया वो हमको मिलता है, उसका फायदा हमको मिलता है। नियम शास्त्र का आज्ञा पालन करते हुए हमको कुछ नहीं मिलते, कुछ फायदा नहीं मिलते। याकूब 2:10-11, जेम्स 2:10-11 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई स्मरण संपूर्ण नियम शास्त्र का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वह सारी नियम शास्त्र का दोषी ठहरता है। इसलिए जिसने यह कहा व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा हत्या न करना। इसलिए यदि तुम व्यभिचार तो नहीं किया परंतु हत्या की तो तुम नियम शास्त्र का उल्लंघन करने वाले ठहरे, दोषी ठहरा जाता है। साफ साफ नया करार में भी लिखा है, Romans 3:20 पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी नियम शास्त्र के कार्यों से नीतिमान नहीं ठहरेगा, क्योंकि नियम शास्त्र के द्वारा पाप की पहचान होती है। फिर एक बार 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 प्रभु का वचन वही बोलता है कि नियम शास्त्र का पालन करते हुए कोई प्राणी, कोई भी परमेश्वर के सामने नीतिमान नहीं बन सकते है। इसका मतलब क्या है कि भाई बहनों, हम ये मान लेना है कि हम पापी है। दूसरी बात है कि नियम शास्त्र का 10 आज्ञा का पालन करते हुए हम नीतिमान नहीं बन सकते है। क्यों? नियम शास्त्र हमारा उद्धार पाने के लिए नहीं दिया था, वो इसलिए दिया था जैसा मैंने बोला, परमेश्वर का जो दर्जा है, स्टैंडर्ड है, वो हम समझने के लिए कितना ऊंचा है। और ये ऊंचा दर्जा स्टैंडर्ड हम कभी हासिल नहीं कर सकते है हमारा शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह से, उसका पवित्र आत्मा का शक्ति से। और ये भी तय होता है कि ऐसा है तो
हमको एक उद्धारकर्ता का जरूरी है। ये भी एक नबुवत होता है कि परमेश्वर हमको एक ऐसा नबी देगा, सॉरी, एक ऐसा उद्धारकर्ता देगा जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो और हमारा नया जन्म हो। गलती 2:16 गैलेशियंस 2:16 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य नियम शास्त्र के कामों से नहीं परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से नीतिमान ठहराया जाता है। ओके, गलती 3:11 गैलेशियंस 3:11 इसलिए यह स्पष्ट है कि नियम शास्त्र द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई नीतिमान नहीं ठहरता, क्योंकि नीतिमान जन विश्वास से जीवित रहेंगे। शलोम, हालेलुया। बार बार हमको प्रभु का वचन बोलता है हम विश्वास के साथ हमारा जीवन, आत्मिक जीवन और उदार का जीवन हम शुरू करना है और विश्वास के साथ हम हमारा आत्मिक जीवन हर दिन जीना है। यही उदार है और यही उदार का जीवन है। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि शैतान ने इसका फायदा उठाया। वो जानता है कि इंसान के पास ये ताकत नहीं है, फिर भी शैतान ने इतना सारा धर्म बनाया जो उनको सिखाता है कि तुम आज्ञा पालन करेंगे, एक जो रूल्स है, नियम है, उनका आज्ञा पालन करेंगे तो तुम्हारा उदार हो सकता है। हर एक जो धर्म है उसके ओर आप नजर डालो, सब नियम से भरा है और रिचुअल से, रीतिवाद, रीतिवाज, ये करो वो करो, ये करो उधर जाओ, ये करो। अभी देखो थोड़ा टाइम के बाद मुसलमान लोगों का ये रहेगा क्या, रोजा रहेगा। उसका मतलब क्या है कि तुम 40 दिन का उपवास करेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। देखो कैसा शैतान ने लोगों को बहकाया और उनको सिखाया कि ये सब तुम्हारा शक्ति के ऊपर है। ये देखो हिंदू धर्म, देखो इधर डुबकी लगाओ, उधर डुबकी लगाओ, वो पहाड़ के ऊपर जाओ, चल के जाओ, काला पहनो, ये करो वो करो, सब कार्य है हमारा इंसान का शक्ति से, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बाबा लोग बोलता है मुझे ये दे दो, उधर ऐसा कर जाओ, उधर जाओ, मुझे इतना पैसा दो। लोग सोचता है ऐसा करने से उनको छुटकारा मिलेगा, उनका उनका भलाई होगा, वो चंगाई मिलेगा, कुछ नहीं होते। देखो शैतान ने सब लोगों को उल्लू बनाया और कितना सारा धर्म है ये सब। देखो ये लोगों को नहीं समझता है, क्यों, उनका कोई कसूर नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है शैतान ने मनुष्य का जो मन है, दिमाग है, उसने भ्रष्ट किया, उसने अंधकार से भरा है। तो ये लोगों को नहीं समझता है, उनको लगता है सही है, ये लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग है, ज्ञानी लोग है, कहीं बड़ा पॉलिटिशियंस है, कहीं बहुत बड़ा न्यायाधीश है। ये छोटी सी बात जो शायद हमारा लोग जो नया जन्म पाया है
20, 21, 22 साल का उम्र का उनको समझता है, लेकिन बड़ा न्यायाधीश को नहीं समझते। मैं एक बार मेरा ऑपरेशन किया, वो डॉक्टर को मैं सुसमाचार देता था और उसको मैंने बोला कि कैथोलिक चर्च मैंने इसलिए छोड़ा और ये जो फादर का पद था वो भी छोड़ा, क्यों वहाँ मूर्ति पूजा चलता है। और वो डॉक्टर गुजराती था और वो ये था क्या हिंदू था, तो बोलता है मैं भी मूर्ति पूजा करता हूँ तो मैं गलत हूँ। मैंने बोला बाइबल ऐसा बोलता है, आप सोच लो, डॉक्टर है। और उनको लगता है ये जो जो मूर्तियां हैं उनका सामने झुकना, उनको प्रसाद, उनको बेड देना, उनको उनको पूजा करना, ये लोगों का पाप क्षमा हो जाएगा। भाई बहनों, कितना शैतान ने पूरा दुनिया में लोगों को उल्लू बनाया है। और किसके और आधारित? नियम शास्त्र, हमारा शक्ति, हमारा प्रयास, हमारा कार्य। प्रभु का वचन बोलता है एफिसी में, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का दान है। हमारा कामों से नहीं है, परमेश्वर का दया अनुग्रह से ये प्रेम दान है। लेकिन समझने के लिए इतना कठिन होता है भाई बहनों। अभी ये सब त्योहार आता है, क्या होता है ये सब रीति रिवाज करके क्या होता है? जीवन कभी बदल गया क्या? कभी दारू छूट गया, पैसा का जो लालच है वो छूट गया, चोरी करने का जो आदत है वो छूट गया? कुछ नहीं है। लेकिन सालों से ये परंपरा चलता है। दिवाली है, ये है, अभी होली है और ये लोगों का यात्रा है, क्या बताए? कितना सारे लोग मरते हैं, शैतान का काम है। लेकिन भाई बहनों, ये लोगों का ये कौन खुला करेगा आंखें? पवित्र आत्मा, ये उसका भूमिका है। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की ओर सौंप दिया। हम उसका अधीन रहते हुए सुसमाचार का काम करना है और उससे सीखना है, उसका अगुवाई लेना है। क्यों? वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, वो पिता परमेश्वर का आत्मा है, वो कुछ अलग नहीं करते हैं। जो प्रभु ने बोला वही वो कार्य में लगाते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। भाई बहनों, ये इतना अद्भुत और अनोखा एक बात है कि इंसान का दिमाग में कभी नहीं आ सकता था कि हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हो सकता है। है क्या कोई एक धर्म जो ऐसा सिखाता है? कि उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, कौन हमारे लिए हमारा पाप उठाएगा और दाम चुकाएगा जो निष्पाप है? कोई है? बड़ा पॉलिटिशियंस है, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, कोई है निष्पाप जो क्रूस के ऊपर मर सकता है, जान दे सकता है और उसका मौत के द्वारा हमको सब लोगों को, पूरा मनुष्य जात को पाप का क्षमा और उद्धार मिल सकता है? सोचो, ये किसी इंसान का दिमाग में नहीं आएगा। क्यों? ये सब जो धर्म है इंसान ने बनाया, पागल इंसान ने। ये परमेश्वर का ज्ञान है और बुद्धि है, सिर्फ वही जानता है। और उसने इतना प्रेम से उसने हमको पाप का क्षमा
और शैतान का बंधन से छुटकारा दिया है। भाई बहनों, ये सब जो धर्म है वो पुण्य के ऊपर निर्भर है। पुण्य कमाने के लिए सिखाता है बाय गुड वर्क्स, भले कामों के द्वारा। और हम जानते हैं कि पापी इंसान का हर एक भला काम मेले चित्ल के जैसे है, परमेश्वर के सामने उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन शैतान ने बकवाए, तुम थोड़ा कुत्तों को खाना दो, कोई जो पक्षी है उनको ये करो, वो जो झाड़ पेड़ है उसको जाके गले लगाओ, कुछ तो काम करो, हॉस्पिटल बांधो, कुछ मंदिर बांधो, इधर चोरी करो बाद में उधर जाके जाके एक मंदिर बांधो, पाप क्षमा हो गया। बहुत मूर्ख बात है, लेकिन हमने समझना चाहिए कि यह शैतान का काम है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमको पाप यकीन दिलाने के लिए। और हमको ये नित्यमत्व कैसा मिलता है ये सिखाने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा। और एक दिन न्याय होगा। भाई बहनों, आज मनुष्य का दिल में कोई परमेश्वर का डर नहीं है, उनका जो विवेक है वो मर गया है। आज कुछ भी करने के लिए तैयार है कि उनका विवेक पूरा मुर्दा है। उनका विवेक कुछ बताता है नहीं उनको, क्या पाप है क्या पाप नहीं है। इसलिए भाई बहनों, आज का जो संदेश है उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम जाने पवित्र आत्मा का काम क्या है और हमारा उसके साथ रिश्ता और सहभागिता दिन प्रतिदिन मजबूत करते रहना। तो इसके लिए भाई बहनों, पहला नया जन्म पाना जरूरी है। जो नया जन्म नहीं पाएंगे तो हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। ये बपतिस्मा का कुछ फायदा नहीं है, ये सब जो आराधना सभा करता है उसका भी कोई फायदा नहीं है, हम जो इतना बाइबल स्टडी करते हैं उसका भी कुछ फायदा नहीं है, क्यों? हर एक बातों में हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है। पवित्र आत्मा का बिना हम अब्बा फादर, अब्बा पापा, डैडी पिताजी नहीं बोल सकते। समझ लो, पवित्र आत्मा का भूमिका और उसका जो काम है उसका महत्व, वही हमारा हमको पवित्र करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका नाम है पवित्र आत्मा, वो हमको पवित्र करता है। जब भी हम परमेश्वर का वचन के अनुसार उसका इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो हमको गिरने के लिए नहीं देगा, हमको संभालेगा। गिरने से पहले ही हमको चेतावनी देगा, क्यों? हमारा उसके साथ नजदीक रिश्ता है और हम उसका आवाज सुन सकते हैं, रेमा। तो भाई बहनों, इतना ही सोचो कि आज का जो धर्म है ये सब गलत है, ठीक है। परमेश्वर ने भी जो धर्म शुरू किया था वो यहूदी लोगों का धर्म जुडाइज्म, वो भी गलत था। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह आ गया, उधर लिखा है इब्रानियों में कि उसने वो रद्द कर दिया। मतलब पुराना करार के द्वारा हम ये नहीं बन सकते, पवित्र नहीं बन सकते,
हर एक यहूदी ने प्रभु यीशु मसीह के ओर विश्वास करना और उद्धार पाना जरूरी है। यहूदी धर्म भी गलत है, बहुत लोग यहूदी लोगों को बहुत मानता है, ये परमेश्वर का लोक है, ये परमेश्वर का गद्दारी है, ये जान लो, ये परमेश्वर का ये कौन बैरी है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का यहोवा का बेटा है उसके ऊपर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। उनका मन के अनुसार चलते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाने के लिए कि पुराना करार खत्म हो गया, वो जो उनका मंदिर है वो एक ये था, क्या है, एक चिन्ह था, एक प्रतीक था उनका धर्म का, वो रोमी सेना के द्वारा पूरा नाश कर दिया, घिराया, कुछ नहीं, क्यों मंदिर मंदिर उनका धर्म का एक चिन्ह और प्रतीक था, खत्म, पुराना करार खत्म भाई बहनों, ये समझना जो बहुत जरूरी है। हम कैसा ये नया करार का पालन करना है, हमारा खुद का करार प्रभु यीशु के साथ करते हुए और करार के अनुसार जीते हुए, ना तो कुछ फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, आने वाला समय में तुमको नया जन्म पाने के बाद पवित्र आत्मा हमको कैसा मदद करता है, उसका भूमिका क्या है, हम सीखेंगे। तब तक हमारा ये दिल में एक एहसास होने दो कि पवित्र आत्मा के साथ हमारा दोस्ती और हमारा सौभाग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। वो हमारे अंदर रहता है, प्रभु का वचन बोलता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, पवित्र आत्मा से बढ़ते रहना, इफिसी में लिखा है 5:18, बढ़ते रहना। जैसा हम बार बार हमारा मोबाइल चार्जिंग करते रहते हैं कि ना तो मोबाइल नहीं चलता है, वैसा ही हमारा जीवन भी नहीं चलता है। जब भी हमको उद्धार नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला और हर दिन हम पवित्र आत्मा से बढ़ते नहीं रहेंगे और उसका अगुवाई से हम चलते नहीं रहेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारा आंखें खोल देगा और पवित्र आत्मा का महत्व, उसका काम का और उसका मदद का और उसका मार्गदर्शन का हमको कितना जरूरी है। और इसलिए जो लोगों का बराबर नया जन्म नहीं हुआ, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये लोगों ने तुरंत जितना जल्दी हो सकता है ये गलती सुधारने के लिए ये लोगों ने उपाय लेना है, कदम उठाना है, बहुत जरूरी है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं पिताजी, अपने आप का इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारा छुटकारा के लिए, शैतान का बंधन से हमको छुड़ाने के लिए और फिर एक बार हमको आपका संतान बनाने के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने आपका पवित्र आत्मा को भी दे दिया हमारे लिए, ताकि वो जैसा हमको हमारा उद्धार होता है, नया जन्म होता है, वो हमको मार्गदर्शन करे, हमको मदद करे, ये नया जीवन, आत्मिक जीवन जीने के लिए हमको मदद करे, सिखाए, चलाए। इसलिए बहुत
धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारा जो लोगों ने ये संदेश सुना है वो समझे कि उनका प्रयास के साथ, कोशिश के साथ, उनका शक्ति से के साथ कभी उधार नहीं पा सकते और उनका खुद का जीवन सुधार नहीं सकते। उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनको एक पाप का एहसास दिलाओ प्रभु और एक तमन्ना, ये शैतान का बंधन से छुटकारा पाने के लिए और आपका संतान बनते हुए पवित्र आत्मा को पाने का हमको मदद करो प्रभु। धन्यवाद, ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन।